नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतीक्षा। प्रदेश में पहली बार मिक्स मार्शल आर्ट्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता ग्वालियर में हुई। मिक्स मार्शल आर्ट्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में करीब 15 जिलों के 350 खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स संस्था के सचिव विकास शर्मा ने बताया कि प्रदेश में पहली बार मिक्स मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें युवक युवतियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य लोगों को बिना हथियारों के खुद की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। मध्य प्रदेश में पहला इसका कंपटीशन है जिसकी शुरुआत है। यहाँ पहली बार में इतना अच्छा रिस्पांस, बच्चे बढ़ चढ़ कर इसमें लड़के लड़कियाँ हिस्सा ले रहे हैं। और इसको एक्चुअल में कहा जाए तो ये सेल्फ डिफेंस के तौर पर सबसे कार्यरत जो है। जैसा कि जानते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार बढ़ रहे हैं या पुरुषों के विरुद्ध भी मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ये एक ऐसा खेल है जिसके द्वारा आप बिना हथियारों के अपनी सुरक्षा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज के लिए। इसी के साथ न्यूज आज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आज के साथ।